मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स रहा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं के लिए गति के समीकरण, मैंने जो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स के चलते डाउनवर्ड में गिर रही है ऊपर से नीचे, और उसके गिरने में किसी भी प्रकार का अगर अपोज नहीं होता है तो उसको कहते हैं हम लोग हैं मुक्त पतन, फ्री फॉलिंग। कोई साइड से ऑब्जेक्शन न हो और वह ऑब्जेक्ट केवल ग्रेविटेशन फोर्स के चलते ही, ग्रेविटी फोर्स के चलते ही गिरे, तो उस संदर्भ में कुछ इक्वेशन है जो नंबरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको सहयोग करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशंस गति के समीकरण से हम जानते हैं, गति के समीकरण में फोर्स एंड द मोशंस ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है फिजिक्स का, उसमें हम लोग पढ़े हुए हैं। इसमें वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी है, उसमें हम लोग ये इक्वेशन ऑफ द मोशंस पढ़े हैं, जिसमें पहला था वी बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये गति के समीकरण से मैंने लिखा। अब देखिए, जो वस्तुएं डाउनवर्ड टुवार्ड्स द अर्थ, पृथ्वी की तरफ गिर रही है ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स ऑफ द अर्थ, जो ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ गिर रही है उसको कहते हैं डाउनवर्ड्स। उस परिस्थिति में जब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे तब क्या होगा भाई, तो इस इक्वेशन में जहां एस है, एस को एच के द्वारा रिप्लेसमेंट करेंगे, और ए जो है ए को जी द्वारा रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि ये ड्यू टू द ग्रेविटेशन एक्सीलेशन, ये है एक्सीलेशन जो कि एक लाइनर पथ पर ऑब्जेक्ट हमारा ट्रेवलिंग करता है, उसके लिए हम लोग एक्सीलेशन को ए द्वारा डिनोट करते हैं, जबकि ग्रेविटी के चलते जो एक्सीलेशन जनरेट होता है उसे जी द्वारा। ये वर्टिकल डिस्टेंस है इसलिए यहाँ पर एस के जगह पर एच का प्रयोग करेंगे। तो इसके बाद जब इसको हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो इसमें इसको रिप्लेसमेंट कीजिए, देखिए तब हमारा इक्वेशन क्या प्राप्त होगा, वी बराबर यू प्लस जी टी, वी बराबर यू प्लस जी टी नंबर एक। नंबर दो में क्या प्राप्त होगा, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यह देखिए ए के जगह पर जी हो जाएगा। और तीसरा प्राप्त हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। मैंने कुछ नहीं किया, इक्वेशन मोशन का जो इक्वेशन है उसमें ए के जगह पर जी और एस के जगह पर एच को रिप्लेस कर दिया, ए को रिप्लेस करके जी बैठाया और एस को रिप्लेस करके एच बैठाया। अब स्टूडेंट्स, अब यह समझना है कि जो वस्तुएं अपवार्ड की तरफ जा रही है उसकी क्या स्थिति बनती है भाई। तो जब वस्तु अपवार्ड्स की तरफ जाती है ऊपर की तरफ, मतलब अगेंस्ट ऑफ द ग्रेविटी फोर्स, तो ऊपर जाते जाते एक समय ऐसा आता है कि उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता और एक क्षण के लिए रुकती है, इंस्टेंटली टाइम के लिए रुकती है, तो वहाँ पर यू बराबर हम लोग जीरो मान लेते हैं, तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से आपका क्या बनेगा, वी बराबर जी टी। ये हो गया आपका अपवार्ड में अगेंस्ट टू द ग्रेविटी फोर्स में, जब उसका वेलोसिटी निकालना होगा तो जी टी का प्रयोग करेंगे, इसलिए कि ये ऑब्जेक्ट अंत में जाकर जब वस्तु विराम अवस्था से गिरती है तब ये डाउनवर्ड के लिए जब वस्तु विराम अवस्था से गिरेगी
जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम ले जा रहे हैं, तो तत्क्षण के लिए इंस्टेंटली टाइम के लिए वह रुकता है, तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो उस परिस्थिति में वेग के लिए हम लोग जीटी का प्रयोग करेंगे, वेग के लिए हम लोग जीटी का प्रयोग करेंगे, और एच के लिए हाफ जीटी का स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, और भी स्क्वायर के लिए हम लोग भी स्क्वायर बराबर 2gh का प्रयोग करेंगे। भाई क्यों, ये भी हमारा गया कहाँ, इस इक्वेशन से u कहाँ गया, इससे u कहाँ गया, इससे u कहाँ गया। चूँकि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में फेंकते हैं, तो उस परिस्थिति में एक समय ऐसा आता है कि वह एक सेकेंड के लिए रुकता है, तो वहाँ पर u बराबर जीरो मान लेते हैं, और तब वह गिरना शुरू करता है, तो v बराबर जी टी, एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर 2gh। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट अपवार्ड में जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट अपवार्ड में जा रहा है उसके लिए आप क्या करेंगे, तो जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, फिर वही बात एस के जगह पर एच, ए की जगह पर जी का प्रयोग करते हैं, लेकिन रिटार्डेशन निगेटिव एक्सलेशन का प्रयोग करते हैं। चूँकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाता है उसका वेलोसिटी घटते चला जाता, अंत में एक ऐसा समय आता है कि ऑब्जेक्ट अपने स्टेशनरी मूड में एक सेकेंड इंस्टेंटली टाइम के लिए आ जाता है। तब आपका इक्वेशन कैसे बनेगा, मतलब कि अगेंस्ट टू द ग्रेविटेशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शंस भी बराबर यू माइनस जी टी, उसके बाद एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, उसके बाद भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये हो गया अपवार्ड डायरेक्शन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, वस्तु को जितना जाने में समय लगता है उतना ही समय उसको आने में लगता है, और नीचे की तरफ जब वह गिरता है तो उसका वह है उसका एक्सेलरेशन जनरेटेड होते चला जाता है, और ऊपर की तरफ जाता है तो उसका एक्सेलरेशन उसका वेलोसिटी चेंजिंग ऑफ द वेलोसिटी उसका घटते चला जाता है। अंत में एक ऐसा स्थिति आता है जैसे जब वस्तु जैसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जैसे निरंतर एक कंटिन्यूस उसका वेलोसिटी घटता है, वैसे जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो कंटिन्यूसली उसका वेग बढ़ते चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका न्यूमेरिकल में काम करेगा। ये देखिए अपवार्ड के लिए एस बराबर एच, ए बराबर जी जंप रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सलेशन इज द कॉल द रिटार्डेशन, भी बराबर यू माइनस जी टी अपवार्ड के लिए, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कोई ऑब्जेक्ट मान लिया जाए 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से भेजा जा रहा है, तो 5 सेकेंड में वो कितना दूरी तय करेगा, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये आपका जो देख रहे हैं फॉर्मूला, ये ओनली है अपवार्ड डायरेक्शन में अगेंस्ट टू द ग्रेविटी फोर्स, और वहाँ पर जी की जगह ए की जगह माइनस जी का प्रयोग करेंगे। चूँकि ग्रेविटी फोर्स और आपका जो मास्कुलर फोर्स जो ऑब्जेक्ट पर लगा है वो दोनों अपोज में है, और डाउनवार्ड के लिए डाउनवार्ड जब वो गिरता है तो भाई कैसे गिरता है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, फेंका हुआ ऑब्जेक्ट ऊपर गया, एक समय ऐसा आया कि वहाँ यू जीरो हो जाएगा। जब वो गिरना शुरू करेगा तो वी बराबर जी टी, यू हम जीरो मान लेते हैं, एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर 2gh। अब देखिए डाउनवार्ड के लिए वी बराबर यू प्लस जी टी, बिकाउज जी के एक जगह पर जी, एक इसके लिए होता है एक लाइनर ट्रेवलिंग के लिए, एक जो रोड पर या एक लाइनर पथ पर ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग कर रहा है उसके लिए हम लोग रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन का उपयोग करते हैं। थैंक यू मच।